Why I use and prefer Feather client? तुम लोगों में से काफी ज्यादा लोगों ने मेरी videos के अंदर देखा होगा कि मैं बस एक ही client को use करता हूँ, वो है Feather। And काफी ज्यादा लोग मुझसे ये बात पूछते हैं। Well, आज की studio में मैं cover करने वाला हूँ Feather client के benefits and इसके कुछ disadvantages। So ये video देखने के बाद तुम्हें हर उस function के बारे में पता चल जाएगा Feather client के बारे में जिसके बारे में तुम्हें पता चलना चाहिए। And तुम्हें पता चल जाएगा कि Feather client तुम्हारे लिए क्या एक best client है या फिर क्या तुम्हारे लिए एक वर्स्ट क्लाइंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसका जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा फीचर लगता है वो ये है मोड्स। वेल, तुम्हें ये दिखने में एक छोटा सा फीचर लग रहा होगा कि यार भाई मोड्स नाम का फोल्डर है जिसके अंदर तुम कोई भी मोड उठा के पेस्ट करके इसको यूज कर सकते हो। वेल ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेदर के अंदर एक इस टाइप का ऑप्शन है कि तुम मोड्स पे जाके, ब्राउज मोड पे जाके कोई भी मोड यहाँ पे लिख के इंस्टॉल कर सकते हो। यस, तुम्हें इसके लिए अपना स्पेशली ग्रूम ब्राउजर खोल के वहाँ पे मोड सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें इस मोड का यहाँ पे नेम लिखना है एंड वो उसी टाइम पे आ जाएगा एंड देन तुम उसको ईजिली ऐड कर सकते हो अपने वर्जन के हिसाब से। एंड ये तुम्हारा अलग से जगह भी नहीं लेगा, जस्ट ये फेदर क्लाइंट के अंदर ईजिली डाउनलोड हो जाएगा। एंड बात करें अगर इसको रिमूव या डिसेबल करने की, तो तुम एक क्लिक के अंदर उसको रिमूव कर सकते हो परमानेंटली। एंड अगर तुम इसको कुछ रीजन की वजह से डिसेबल करना चाहते हो तो तुम यहाँ से इसको डिसेबल भी कर सकते हो, जिसको तुम बाद में इनेबल करोगे देन वो मोड वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जो अगली चीज़ है वो है स्किन्स। वेल, इसके अंदर तुम्हें एक और ज़्यादा अच्छा फीचर समझ लो ये मिल जाता है कि तुम्हें बार बार लाइक अपनी माइनक्राफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं खोलनी पड़ेगी स्किन अपनी ऐड करने के लिए। यहाँ पे बस तुम्हें स्किन चाहिए, यहाँ पे तुम्हें अपनी स्किन का फोल्डर चूज़ कर लेना, कोई भी स्किन लगा लेनी है एंड देन तुम्हारी वो स्किन लग जाएगी। जैसे कि अभी मेरी ये स्किन लग चुकी है, यहाँ पे तुम स्किन टाइप भी अपने हिसाब से कर सकते हो चेंज। एंड बाकी बात रहेगी एक और जो फीचर है वो बहुत ज़्यादा कमाल का, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते होंगे, सर्वर। तुम इसके ऊपर अपना प्राइवेट सर्वर बना सकते हो खेलने के लिए, लाइक तो एज अ फन खेलने के लिए, जिसके अंदर तुम खेल सकोगे एंड तुम्हारी अपनी होस्टिंग होगी एक तरह से, जो कि एक ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम क्लाइंट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। एंड बाकी ये कुछ रेजोल्यूशन है जो लाइक नॉर्मली होता है हर क्लाइंट के अंदर जो फीचर होता है। वेल, जो मेन चीज़ है अभी मैं तुम्हें लॉन्च करके दिखाता हूँ गेम एंड बाकी के मोड्स एंड बाकी की चीज़ों के बारे में मैं उधर बात करूँगा। ऑलराइट, तो इसके अंदर जो अगला जो मेन फंक्शन मुझे लगता है वो है ये लाइक मेन जो है इस टाइम पे, ये इसकी पर्सनल लाइक तुम फेदर सेटिंग्स खोल सकते हो यहाँ पे। लाइक हाँ, ये होता है हर क्लाइंट के अंदर, ऑफकोर्स होता है, लेकिन इसके अंदर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं लाइक ग्राफिक्स हर टाइप से तुम्हें लाइक इसके अंदर हेल्प मिलेगी। कॉस्मेटिक्स अगर तुम्हारे पास है, जो कि मेरे पास नहीं है, तुम यहाँ से उसको इनेबल कर सकते हो। परफॉर्मेंस तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। चैट तक तुम इसको डिसेबल और अनडिसेबल कर सकते हो। जनरल के अंदर तुम कोई भी लाइक कलर चेंजिंग कर सकते हो, की बाइंड अपनी रख सकते हो अगर तुम रखना चाहो, इन गेम सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद तुम मोड मेन्यू में जाकर यहाँ पर कोई भी मोड सर्च कर सकते हो, लाइक मोड इस टाइप से, जैसे कि की बाइंड्स, की स्ट्रोक्स, ब्लॉक आउटलाइन, ब्लॉक ओवरले, ब्लॉक इंडिकेटर, इस टाइप से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हाई पिक्सल के मोड्स भी तुम्हें मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम हाई पिक्सल के अंदर यूज़ कर सकोगे लाइक उसके मिनी गेम्स के अंदर। आई डोंट नो तुम में से काफ़ी ज़्यादा लोग हाई पिक्सल खेलते होंगे या नहीं, बट हाँ इसके अंदर ये भी फीचर है। उसके बाद इसके अंदर जो मेन ज़्यादा अच्छा मुझे लगा है वो है इसके अंदर तुम्हें फेदर की कस्टमाइज थीम भी मिल सकती है एंड तुम्हें फेदर की दूसरी थीम भी मिल सकती है, लाइक उसका मुझे अभी ऑप्शन याद नहीं आ रहा कहाँ पर होता है। एंड उसके बाद तुम्हें यहाँ पे कॉस्मेटिक्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि मेरी औकात से बाहर है। अगर तुम्हारी औकात में हो तो तुम तो ऑफकोर्स खरीद लोगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इतने में तुम लिटरली एक माइनक्राफ्ट परचेज कर सकते हो। एंड मैं तुम्हें मेन चीज बताता हूँ इसके अंदर क्या तुम्हारे सच में एफपीएस बूस्ट होते हैं। वेल, दो चीजें हैं, यस एंड नो। अगर तुम्हारी डिवाइस लो एंड है, बिल्कुल लो एंड है एंड उसके ऊपर तुम फेदर क्लाइंट रन कर लेते हो माइनक्राफ्ट का प्रीमियम अकाउंट लेके, तो हो सकता है तुम्हारे एफपीएस बूस्ट हो जाए अगर तुम बिल्कुल सही सेटिंग्स यूज करोगे, लाइक सोडियम ऑप्टी फैब्रिक। जो बात है ऑप्टी फैब्रिक की, वो इसके अंदर प्री इंस्टॉल आता है, लाइक तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है उसको इंस्टॉल करने की। इसके अंदर फैब्रिक के साथ साथ तुम्हें ऑप्टी फैब्रिक भी मिल सकता है, जैसा कि तुम देख रहे हो कि अभी मैं ईजिली जूम कर पा रहा हूँ, या इसकी वजह से तुम्हारे एपीएस बूस्ट होते हैं विद सोडियम, जो कि तुम ईजिली एक क्लिक के साथ इसके अंदर ऐड कर सकते हो। बाकी बात रह गई, जो मुझे इसका मेन डिसएडवांटेज लगता है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम यूज़र्स के लिए। वेल, ये चीज़ मुझे कसम से बहुत बुरी लगी। आई डोंट नो, मुझे इतना ज़्यादा क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस नहीं है लाइक ये बनाने का, कि ये लोग क्यों, इनको क्या प्रॉफिट होता है लाइक बनाने में एंड उसको प्रीमियम कर देने में। बट वेल, हाँ यही चीज़ है जो कि थोड़ी अजीब है कि इसके अंदर तुम्हें भाई
प्रीमियम अकाउंट चाहिए अगर तुम फेदर क्लाइंट एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो भाई तुम इसको डाउनलोड तो कर सकोगे लेकिन तुम कभी लॉगिन ही नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे पास माइनक्राफ्ट का प्रीमियम अकाउंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं प्रेफर क्यों करूंगा फेदर क्लाइंट को यूज करना एंड मैं खुद क्यों यूज करता हूं इसको, अब काफी ज्यादा लोग ये बोलेंगे कि फेदर क्लाइंट लूनर क्लाइंट ऑलमोस्ट सेम है। वेल हाँ दोनों सेम है, लेकिन जब मैं फेदर क्लाइंट पर शिफ्ट हुआ तब लूनर के अंदर रिप्ले मोड नहीं था। टू बी ऑनेस्ट मैं रिप्ले मोड की वजह से फेदर क्लाइंट पे शिफ्ट हुआ हूँ, बिकॉज और किसी क्लाइंट में रिप्ले मोड हमें देखने को नहीं मिल रहा था। लाइक टी लाउंचर में था लेकिन वो टी लाउंचर है भाई, वो क्लाइंट नहीं है कोई। हाँ तो वेल उसके लिए मुझे पहले से मेरा हो गया कि भाई अब यार वही करेंगे भाई, अभी टी लाउंचर पे नहीं अभी फेदर पे शिफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज मैंने प्रीमियम अकाउंट बाय कर लिया था। एनीवेज तो उसी टाइम पे फेदर ने प्रीमियम लाइक फेदर के अंदर हमें रिप्ले मोड देखने को मिल रहा था, डेट्स वाई मैं उसी टाइम उस पर शिफ्ट हो गया। एंड आज से एक साल बाद अब जाके लूनर की नई अपडेट में हमें रिप्ले मोड देखने को मिल रहा है। बट अब क्या फ़ायदा जब मैं पूरा शिफ्ट हूँ, मेरे पास हर चीज़ इसके अंदर पड़ गया, मेरे मोड्स ईच एंड एवरीथिंग, तो अब मुझे क्या ज़रूरत है भाई दोबारा जाके लूनर क्लाउड डाउनलोड करने की। तो एक जो चीज़ मुझे अभी बनी बनाई मिल रही है तो मैं लूनर पे क्यों शिफ्ट हूँ। तो यही रीज़न है कि मैं लूनर पे कभी शिफ्ट नहीं हूँगा, फेदर जब तक चल रहा है इसको चलने देंगे अंटिल ये कोई नया अपना लोचा वोचा नहीं करते। एंड बाकी बात रहेगी इसके अंदर स्मूथनेस की, तो इसके अंदर स्मूथ गेम कसम से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लाइक एकदम स्मूथ चलती है गेम, इतने कोई ज़्यादा इशूज़ नहीं होते। सो या डेट इज़ इट फॉर टुडे, आर होप करता हूं तुम्हें इसको छोटा सा ये रिव्यू टाइप अच्छा लगा होगा। एंड वेल अगर तुम एक माइनक्राफ्ट का प्रीमियम अकाउंट बाय कर रहे हो सिर्फ फेदर खेलने के लिए देन आई थिंक सो कि ये वर्थ इट हो सकता है। एंड अगर तुम इसको क्रैक में करना चाहते हो तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई हो सकता है कि तुम इसको क्रैक में यूज कर सको। वेल दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, पीस आउट।